हेलो एंड वेलकम टू ऑन स्क्रीन वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए फॉर मोर वीडियोस। तो आइए आज बात करते हैं रिवर्स इन असम पे, मतलब असम में कौन से मेजर रिवर्स है। ठीक है, तो मेजर रिवर्स, फर्स्टली देर आर थ्री मेजर रिवर्स इन असम। पहला है ब्रह्मपुत्र, देन है बराक, देन है मानस। ठीक है, ये तीनों मतलब सबसे बड़े रिवर्स है असम में। एंड उसको छोड़ के बाकी छोटे मोटे रिवर्स या आप कह लो ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर्स, ये सब मिला के मोर देन 49 है। ठीक है, देन आइए देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। दोस्तों जो जो जैसा कि जानते हैं आप सब, ब्रह्मपुत्र इज द बिगेस्ट रिवर इन असम। तो आइए देखते हैं ये रिवर फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चलिए इसलिए देखते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज कौन से है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे फ्रॉम अपर असम टू लोअर असम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे अपर असम से होके लोअर असम तक आता है। तो हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे इसके राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो उस हिसाब से होगा ये राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। ठीक है, ठीक है, तो फिर राइट बैंक में पहला ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र का है डिबांग। ठीक है, वो अपर असम से होके आएंगे हम लोग। तो फिर होता है कामेंग, फिर सुबानश्री, फिर डिक्रोंग, फिर बरनदी, पुथीमारी, बेकी, मानस, गौरा। तो ये सब आप याद रखिए कि राइट बैंक में पूछ भी सकता है कि राइट बैंक में इनमें से ऑप्शन देके कौन सा है राइट बैंक का ट्रिब्यूटरी, और फिर लेफ्ट बैंक में कौन सा आता है, लोहित, डिहिंग, फोगडोई, थोनसिरी, कोलोंग एंड कोपिली। तो ये लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर के। ठीक है, फिर आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र को थोड़ी डिटेल में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर है क्या, कहाँ से आया, कब से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज सेड टू बी ओल्डर देन हिमालयस। हिमालय माउंटेन आपको सबको पता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो हिमालय से भी पुराना है। हिमालय आपको पता है कैसे फॉर्म हुआ, जब गोंडवाना द एंशियंट जो सब कॉन्टिनेंट था साउथ पोल से आके एशिया में ज्वाइन हुआ, तो उस टक्कर से क्या हो गया, द हिमालय वॉज फॉर्म। ठीक है, तो उससे भी पहले का है ब्रह्मपुत्र। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज सेड टू बी द ओनली मेल रिवर इन इंडिया। ठीक है, मेल रिवर इन इंडिया मतलब बाकी सब रिवर्स, आप मेजर रिवर्स को ले लो इंडिया की, तो सब रिवर्स देवियों के नाम पे है। ठीक है, गॉडेस, इन द नेम ऑफ गॉडेसेस, लाइक गंगा, गंगा इज ए गॉडेस, सरस्वती, कावेरी। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र क्या है, इज द ओनली मेल रिवर, और इसका नाम ट्रांसलेट होता है आपका सन ऑफ ब्रह्मा। सन मतलब पुत्र, ठीक है, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा जो कि क्रिएटर है, गॉड, द क्रिएटर गॉड इन हिंदुइज्म। ठीक है, देन इट्स अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री इसलिए क्योंकि ये ट्रांस बाउंड्री रिवर कब होता है, एक रिवर ट्रांस बाउंड्री तब होता है जब वो नेशनल या इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करता है। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये फ्लो करता है फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, तिब्बत से आता है इंडिया में आता है तिब्बत से, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है जैसे कि मैंने आपको कहा तिब्बत से, तिब्बत में मानस सरोवर जो लेक है। ठीक है, इन द बुरांग काउंटी ऑफ तिब्बत। तो अगर ये तीन देश में ये रिवर फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो तीनों देश में इसका नाम तो अलग अलग होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। देन इसके नाम देखते आइए, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, यारलुंग संगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं इसको, यारलुंग संगपो। ठीक है, फिर जब ये तिब्बत से अरुणाचल घुसता है तो अरुणाचल में इसका नाम पड़ जाता है सियांग या दिहांग। ठीक है, सियांग या दिहांग। देन अरुणाचल से जब ये असम में आता है, असम में इसका नाम हो जाता है लुइट, कोई बोलता है दिलाव, कोई बोलता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज द फेमस नेम। तो लुइट इज मतलब कुछ पार्ट में, असम के कुछ पार्ट में लुइट बोलते हैं इसको। देन नीचे आके ये ब्रह्मपुत्र हो जाता है पूरा का पूरा। देन असम से ये जब बांग्लादेश में जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना। नाम क्या हो जाता है, जमुना। अब जमुना को यमुना के साथ कंफ्यूज मत करो, ठीक है, यमुना वो रिवर है जो इंडिया का एक मेजर रिवर है, गंगा के बाद जो हम नाम लेते हैं यमुना। तो
जमुना और ये अब यमुना दोनों अलग अलग रिवर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, इन बांग्लादेश। देन ये जाके मर्जेस विद पद्मा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कहाँ मर्ज होता है, पद्मा में मर्ज होता है, ठीक है। पद्मा जो कि गंगा रिवर है इंडिया में, वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड बिकम्स मेघना, क्या बन जाता है, ये दोनों मेघना बन जाता है, मेघना। देन ये मेघना बन के बे ऑफ बंगाल में गिरता है। देखिए यहाँ पे पहले ब्रह्मपुत्र जा रहा है असम से होके बांग्लादेश, ठीक है। फिर गंगा जा रहा है बांग्लादेश फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो दोनों जाके क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है, ठीक है। देन इट इज द नाइन्थ लार्जेस्ट बाई डिस्चार्ज, मतलब वाटर डिस्चार्ज, कितना वाटर ये बे ऑफ बंगाल में डालता है, उसका पोजीशन है 9, ठीक है। एंड 15 बाय लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने नंबर पे है लॉन्गेस्ट में, 9, 15, ठीक है। एंड ये रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में टू रिवर आइलैंड्स है, एक तो है माजुली, माजुली एज यू नो इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, वो है माजुली में, वो है ब्रह्मपुत्र में। देन उर्वशी आइलैंड जो कि गुवाहाटी शहर के पास में है, ठीक है। उर्वशी आइलैंड को ब्रिटिशर्स के टाइम में एक ब्रिटिशर्स के फॉरेस्टर थे, उन्होंने उसको नाम दिया था पिकक आइलैंड, ठीक है, क्योंकि वो पिकक की तरह दिखता है अगर आप दूर से उसको देखो। देन ये रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर में साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन पाया जाता है, ठीक है। ये एक स्पीसीज है, रिवर डॉल्फिन स्पीसीज है जो ब्रह्मपुत्र में मिलता है, उसका नाम है गंगेश रिवर डॉल्फिन, ठीक है। ये स्पीसीज का और एक रिवर डॉल्फिन है, एक तो है गंगेश जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा में भी पाया जाता है, उसका नाम है गंगेश रिवर डॉल्फिन, और एक है जिसका नाम है इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है, वो इंडस रिवर में पाया जाता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मानस रिवर पे, ठीक है। मानस रिवर इज ऑल्सो अनदर ट्रांस बाउंड्री, जैसा कि मैंने आपको कहा है, क्या है ट्रांस बाउंड्री, तो ये फ्लो करता है भूटान से इंडिया, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है इसका, 400 किलोमीटर, जिसका 104 फ्लोज इन असम, ठीक है। मानस रिवर का टोटल लेंथ है इतना, तो 104 फ्लो करता है ये असम में। ये नाम किसके ऊपर नाम दिया गया है इसको, आफ्टर द हिंदू गॉडेस मनसा, द सर्पेंट गॉडेस, ठीक है। मानसा जो कि हम मानते हैं सर्पेंट गॉडेस, उसके आफ्टर उसको नाम दिया गया इस नदी को। इट मर्जेस इनटू ब्रह्मपुत्र इन जोगी खोपा, ठीक है। देखिए मानस एक बहुत ही बड़ी नदी है, लेकिन ये भी ब्रह्मपुत्र में आके, असम में आके ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाता है, ठीक है, फाइनली। तो ये कहाँ होता है, किस प्लेस में, ये प्लेस में होता है, जोगी खोपा। देन इट हैज टू मेजर रिवर फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। तो वो कौन से है, एक तो है भूटान में जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है, भूटान में है ये रॉयल मानस नेशनल पार्क। एरिया कितना है इसका, 1057 किलोमीटर स्क्वायर्स। एंड दूसरा है असम में, असम इंडिया में, उसका नाम क्या है, मानस नेशनल पार्क है उसका नाम भी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये है असम में, इसका एरिया कितना है, 950 किलोमीटर स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जीके आपके लिए, मानस नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं बराक रिवर पे, तो बराक रिवर इज अनदर ट्रांस बाउंड्री रिवर। तो दोस्तों आप मान लो कि बड़ी बड़ी जो नदियां है, तो वो बड़ी बड़ी नदियां मोस्टली ट्रांस बाउंड्री होती है, क्योंकि वो एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, ठीक है। इसलिए तो वो इतना फेमस है, ये वो रिवर इतना फेमस होती है वो रिवर्स, ठीक है। तो ये कहाँ फ्लो करते हैं, इंडिया से बांग्लादेश, ठीक है। ये इंडिया इंडिया से बांग्लादेश जाती है। तो टोटल लेंथ कितना है बराक रिवर का, 900 किलोमीटर, जिसका 524 किलोमीटर इंडिया में ही फ्लो करता है, ठीक है। इंडिया में, असम में ओनली नहीं, ठीक है, और दूसरे भी स्टेट्स में फ्लो करती है, जैसे कि मणिपुर में, नागालैंड, मिजोरम, देन असम, ठीक है। ये चारों स्टेट्स में, असम में, ये चारों इंडिया में, ये चारों स्टेट्स में फ्लो करती है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि बराक रिवर कौन से स्टेट्स में फ्लो होता है, ठीक है, तो ये चार स्टेट्स। देन फाइनली इट गोज टू बांग्लादेश एंड मर्जेस इन टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बराक रिवर का, इसका जो 121 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, ठीक है, एक एरिया है 121 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो लखीमपुर एंड भांगा के बीच में, ये दो प्लेसेस है, ठीक है, ये दो प्लेस के बीच में ये 121 किलोमीटर स्ट्रेच को
2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था, नेशनल वाटरवे, जैसे कि नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे 1-2 ऐसा होता है, तो नेशनल वाटरवे 6 इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ये 121 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लखीपुर भांगा इन पराक रिवर को, ठीक है, 2016 में ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर था इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। देन गंगेस रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो फाउंड इन पराक, जैसे कि आपको बताया था ब्रह्मपुत्र में मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है, गंगा रिवर में भी मिलता है, ठीक है। बट ये गंगेस रिवर डॉल्फिन क्या हो गया, ये थ्रेटेंड है अभी, क्योंकि हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि लोग उसको फिशिंग करते हैं, मारते हैं, बेचते हैं, ठीक है, खाते हैं ये सब, इसलिए थ्रेटेंड हो गया ये स्पीसीज। देन डैम्स एंड रिजर्वॉयर इन असम, तो असम में जो मेजर रिवर्स है, जो बड़े बड़े रिवर्स है, उसमें डैम्स एंड रिजर्वॉयर का क्या मतलब, कितने हैं, क्या है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, क्या है, ठीक है, उसको जानेंगे यहाँ पे। तो टोटल तो है 5, ठीक है, टोटल इतने 5, वो 5 में से 3 है कंप्लीटेड, मतलब 3 कंप्लीट हो चुका है एंड 2 अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 अभी बन रहा है फिलहाल, तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है रिवर का नाम, डैम का नाम, और वो किस टाइप का डैम है, ठीक है, उससे ज्यादा ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि रिवर कौन सा है। तो पहला तो है कंप्लीटेड डैम कोपिली, ठीक है, कोपिली रिवर में है, उसका नाम है खांगडोंग, ठीक है, वो किस टाइप का, ग्रेविटी है उसका टाइप, ठीक है, मतलब कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो टाइप पे आता है, ठीक है। डैम तो है उमरोंग नाला, ये भी एक नदी है, उसका डैम का नाम क्या है, उमरोंग, ये भी ग्रेविटी है। फिर बोरपानी रिवर, ठीक है, बोरपानी भी कार्बी लंपी डैम है, इसका नाम क्या है, कार्बी लंपी डैम, ये किस टाइप का है, ग्रेविटी का। और जो तो बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, वो किस नदी में, किस नाम से जाना था, पहला था पगलाडिया, डैम का नाम भी पगलाडिया है, इसका टाइप रॉकफिल है, ठीक है। देन एक बन रहा है सुबानसिरी में, सुबानसिरी जिसका नाम है सुबानसिरी लोअर डैम, और इसका टाइप क्या है, ग्रेविटी है इसका टाइप, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइए हाउ डू यू लाइक द वीडियो, इफ इट वाज यूजफुल फॉर यू, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो।